आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में पैदल तिरंगा यात्रा निकाला, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि पूरे देश आजादी का अमृत महोत्सव एक सप्ताह से मना रहे हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस के द्वारा पैदल तिरंगा मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का संचार करना है, जिससे सभी व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना को पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से देश को आजाद कराने वाले वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दिया जा सकता है और लोग वीर शहीदों के बारे में जान सकेंगे। इस अवसर पर सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित भारी संख्या में जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, ठीक है। सभी लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले एक सप्ताह से मना रहे हैं। उसी आयोजन के क्रम में आज पुलिस की महिला आरक्षियों द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों द्वारा, बैंड द्वारा, ट्रैफिक कर्मियों द्वारा, सभी के द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी जवानों में जोश एवं नई ऊर्जा का संचार करना है एवं जनता के सभी व्यक्तियों में जो देशभक्ति की भावना है उसको मजबूत करना है। हम अपने जवानों के अपने तिरंगा मार्च के माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हैं एवं सभी के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, उन सबके पथ प्रदर्शनों से चलकर उनके बनाए गए दिए गए मानदंडों का पालन करते हुए देश के लिए और मजबूत बनाने में, देश की एकता और अखंडता को की भावना जो है मजबूत करने में ये निश्चित रूप से ये रैली सहायक सिद्ध। इसमें करीब हमारे 250 पुलिस कर्मी जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और प्रमुख भीड़ भाड़ वाले बाजारों, स्पेशली हमारा ये गोलघर एरिया, विजय चौक, कचहरी चौराहा, अग्रसेन चौराहा, इधर से होके हमारा इस मार्च पास्ट ने आज ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपना राष्ट्र प्रेम का संदेश दे सकें।